देश में बागवानी फसलों की खेती के लिए संरक्षित खेती का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान अब जहां खेतों में पॉली हाउस और ग्रीन हाउस का संरक्षित ढांचा लगाकर फल और सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं, वहीं ऑफ सीजन सब्जियों की खेती के लिए लो टनल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। वहीं जिला फतेहाबाद के किसान अपने टमाटर, शिमला मिर्च, खीरा, गोभी जैसी सब्जियों को सरकार की लो टनल योजना के जरिए रखरखाव कर रहे हैं। वहीं लो टनल के जरिए जो किसान खेती कर रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए आप भी। पॉलीथीन का यही फायदा है कि ये बरसात से, सर्दियों में जो बरसात पड़ती है या कोहरा पड़ता है, उनसे हमें बचत हो बचाव रहता है हमें, और इससे जर्मिनेशन भी बढ़िया होता है, जिस किसी चीज़ का भी बोना हो और इसमें किसी तरह की भी अपन सब्जी लगा सकते हैं गर्मियों के मौसम वाली, और इससे बढ़िया पैदावार होती है। हम इसे 2-3 साल से लगा रहे हैं, इससे हमें जब भी हम इनकी पैदावार जो होती है उनको मंडी में बेचते हैं तो उन सब्जियों का भाव बढ़िया मिल जाता है, इससे हमें खूब कमाई हो रही है। इनका जी फायदा ये है, लिफाफा लगा रखे, सब्जी अच्छी होवे, पानी कम लगाना पड़े, खाद घास मतलब होता नहीं इतना घास बीच में, और लिफाफे लगा रखे हैं, पैदावार अच्छी होवे। 5-6 एकड़ में बोरा की सब्जी आप पहले पिछले गेड़े भी लगाए थे, आप लिफाफे बढ़िया पैदावार हुई, अब की दफा भी लगा रखे हैं, घास फूस की मतलब बचत है, पानी की बचत है, लिफाफे ढक रखे हैं, इस पे सब्जी ठंड की वजह से खराब नहीं होती। चलिए आपको बताते हैं कि लो टनल तकनीक क्या होती है और इसके क्या क्या फायदे हैं। लो टनल पॉलीहाउस का एक छोटा रूप है। इसमें कम ऊंचाई और अस्थायी संरचना बनाकर सब्जियों की खेती की जाती है। ये तकनीक पॉलीहाउस से काफी सस्ती है। हरी सब्जियों की अगेती खेती के लिए लो टनल बनाई जाती है। इसका इस्तेमाल ज्यादातर सर्दियों में किया जाता है। इसमें फसल 2-3 महीने पहले ही पककर तैयार हो जाती है। लो टनल में कीट और रोगों का खतरा नहीं रहता है। मौसम की अनिश्चितताओं से कोई नुकसान नहीं होता। खेती करने पर बीजों का जमाव बेहतर ढंग से होता है। फसलों की सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। बेमौसमी सब्जियों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कुल मिलाकर हरियाणा के किसान अब खेती में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर कम समय में खेती कर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए फतेहाबाद से जसपाल सिंह की रिपोर्ट।